बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में आने का जो मकसद है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के साथियों के साथ, वो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अजीम फर्जंद जनाब अफजल भट्ट साहब, जो पाकिस्तान में एक सहाफत का बड़ा नाम है और जिन्होंने हर जुल्म, हर जबर के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ मजलूमों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, इनका शुक्रिया अदा करना था। क्योंकि जब हमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के लोगों को यासीन मलिक साहब को दी जाने वाली जालमाना गैर आइनी इंतकामी सजा के खिलाफ हम डी चौक से भारतीय एम्बेसी की तरफ एक परमन एहतजाजी मजाया कर रहे थे, मार कर रहे थे, तो हमें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद 8 मुख्तलिफ दफात जलाओ गिराओ पुलिस मुकाबला हम पे डाल के हमें अडयाला जेल भेज दिया। तो उस वक्त तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद के तमाम साफी दोस्तों का, बिलखसूस हमारे बड़े भाई काबिल एहतराम हमारे मोहसिन अफजल भट्ट साहब ने हमारी आज़ादी के लिए जदोजहद की, जानी और माली तौर पर इन्होंने हमें जो तहमन अता किया। मैं समझता हूँ कि जब हम हर तरफ से मायूस होते हैं अपने आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों में के बाद जब हमारी शिनाख्त तक मिट गई, तो उस वक्त ऐसे जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जब ये मैदान में आते हैं तो हमारे जज्बे, हमारे वलवले, हमारा जोश और हमारा ईमान इस बात की गुवाही देता है कि हम यकीनन आज़ादी लेंगे। होता ही है मोहतरम भट्ट साहब और हमारे साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, बाकी और ये मेरे साथ हमारे जोनल सदर जनाब खुर्शीद सुलाहिया साहब बैठे हुए हैं, जनाब रजमान साहब है पुलंदी से, इफ्तखार साहब हैं और फयाज साहब हैं नीलम से, और जनाब टीपू साहब हैं हैदर अली बेग साहब। तो हम जब हमें ये पता चला सोशल मीडिया पे कि यासीन मलिक साहब को जालमाना तौर पे सजा दी जाने लगी है, तो हमने 15 मई से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक परमानेंट एहतजाजी कैंप लगाया। 14 मई को हमने इसी जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब 10 दिन के बाद जब 25 मई को मैंने 23 मई को कॉल दी इस्लामाबाद की तरफ, भारतीय एम्बेसी की तरफ परमन मार्च की, और वहाँ पे एक मेमोरेंडम देने की, जो मेमोरेंडम में हमने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट दोस्तों को भी भेजा, तो डी चौक से पीछे हमें पुलिस ने रोका। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर इस्लामाबाद के हालात नहीं है कि हम वहाँ जा सकें, काइंडली हमारे 2 दोस्तों को वहाँ तक ले जाएँ ताकि हम एक याददाश्त जो है भारतीय एम्बेसी में दे सकें। उन्होंने हमें गिरफ्तार करके 18 घंटे ना हमें रोटी दी ना हमें पानी दिया। 18 घंटे के बाद हम पे फोकस FIR काट के जो है हमें अडयाला जेल भेज दिया। तो एक तो ये हम अजम करते हैं कि हम अपने वतन की आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह, और दूसरा हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम दोस्तों के, नुसार शाह साहब के, वहीद काशिफ साहब के, अफजल भट्ट साहब के, और तमाम जितने भी लोग हैं, चौधरी यासीन साहब के, कि जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि जो फोकस मुकदमात हम पे कायम किए गए, काइंडली इस FIR को वापस किया जाए, और फोकस FIR फाइल करने वालों के खिलाफ यकीनन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जनाब मोहतरम भट्ट साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।